हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं ना बहुत ही बढ़िया मेथी की सब्जी। तो अगर आप लोगों ने इस तरह से कभी मेथी की सब्जी नहीं बनाई है ना, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मेथी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेथी लेंगे। तो मेथी को ना इस तरह से हमें साफ करके कट कर लेना है और इसे ना अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितनी मूंगफली और 2 चम्मच जितनी हम इसमें भुनी हुई चना डाल आती है ना वो, और 1 बड़ा चम्मच जितना सफेद तिल, इसको है ना हमें आधे ग्लास पानी में भिगो के रखना है। इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच जितना तेल लेंगे। यहाँ पे मैंने 10 से 15 लहसुन की कली ली है, जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। इसे हमें भून लेना है। अब हमने जो मेथी को धो के साफ करके रखा था वो मेथी हम इसमें ऐड करेंगे। और जब तक मेथी का पूरा पानी जल जाए और एकदम से पक जाए, यानी कि तेल दिखने लगे ना, तब तक हमें इसे पका लेना है। यानी कि 2 से 3 मिनट लगेंगे ये मेथी को पकने में। तो इस तरह से हमें पूरी मेथी को पहले पका लेना है। से ना हमें मेथी को भून लेना है। अब ये मेथी को हम एक कटोरी में साइड में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में ना हम 1 चम्मच जितना तेल लेंगे। तेल में 1/2 चम्मच जितना हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा चटकने लगे तो 1 चम्मच जितना हम इसमें अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने उसको कूट लिया, आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब 2 मीडियम साइज की प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और इसे ना अच्छे से भून लेंगे। यानी प्याज का थोड़ा कलर चेंज हो जाए, थोड़ी ब्राउन जैसी हो जाए, इस तरह से हमें उसको अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसकी मैंने इस तरह से प्यूरी बना ली है। वो प्यूरी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले नॉर्मली जो हम लोग घर में रेगुलर जो सब्जियों में यूज करते हैं ना, वही यूज करने वाले हैं। जैसे स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच जितना हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच जितना यहाँ पे मैंने धनिया जीरा पाउडर लिया है वो ऐड करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच जितनी हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 छोटी चम्मच जितना हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तो गरम मसाला नॉर्मल जो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं ना, वही मैंने लिया है। तो सारे मसाला को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये प्यूरी को ना हम 5 मिनट के लिए ढक के अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। ग्रेवी जब तक पक रही है, हमने जो ये मूंगफली और चना दाल को हमने भिगो के रखा था, उसे हमें इस तरह से मिक्सी में पीस लेना है। अब 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि ग्रेवी पक चुकी है, यानी ऊपर से ना पूरा तेल आ चुका है। अब हमने जो ये मिक्सी में पीस के पेस्ट बनाई थी, वो सारी पेस्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 ग्लास जितना पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, आपको ग्रेवी कितनी पतली या कितनी गाढ़ी चाहिए। और ये ग्रेवी को ना आप बना के 1 वीक तक फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं, और इस ग्रेवी से आप बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं। जैसे कि आप इसमें पनीर ऐड करके पनीर की सब्जी भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो दम आलू की सब्जी भी इसमें बना सकते हैं। आलू को बॉयल करके हम इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनके रेडी होती है। तो अब इस तरह से हमने पानी ऐड कर लिया और इसे ना अच्छे से पका लेंगे। यानी 5 मिनट के लिए हम फिर से इसको इस तरह से पका लेंगे। तो ग्रेवी में अच्छे से तेल छूटने लगे, उसके बाद हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। तो जो मेथी को हमने भून के रखा था वो मेथी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ढक्कन लगा के फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें ना आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस करना रहेगा, तब भी जाके ना ये सब्जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनके रेडी होगी। और ऊपर से जब हम सर्व करेंगे, तब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी हमारी ये मेथी की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। तो जो लोग मेथी की सब्जी नहीं खाते ना, वो भी मेथी की सब्जी खाना स्टार्ट कर लेंगे। तो एक बार इस तरह से ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नई नई रेसिपी इस तरह से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।